शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरे देश में जहां कोरोना का कहर छाया हुआ है, वहीं कुछ समाज विघातक प्रवृत्तियां जो है वो समाज विरोधी प्रवृत्तियां कर रही हैं। एक विशिष्ट समुदाय के संत के लिए कुलदीप गुंगे नामक शख्स ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली, जिससे इस समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। रोष व्याप्त इस धार्मिक समुदाय ने इस युवक को पकड़कर सकरदरा पुलिस के हवाले कर दिया। इस धार्मिक समुदाय ने पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उल्लेखनीय है कि इस युवक को इस समुदाय के हत्याने के बावजूद भी पत्रकारिता का परिचय देते हुए इस युवक को मारपीट न करते हुए इसे सकरदरा पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले की आगे की जांच सकरदरा पुलिस कर रही है। ताजुल औलिया के चाहने वालों के ग्रुप में आपस में कुछ बातचीत चल रही थी, उसी ग्रुप में एक कुलदीप हिंगे करके बंदा है जो इस ग्रुप में एंट्री करता है और बाबा ताज को सीधा सीधा मार के गाली देता है, जो कि कोई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हमारा जो नागपुर शहर है, ये शांति प्रिय शहर है। इस शहर में आज तक ना ही कोई जातिवाद, कोई झगड़े फिसाद हुए और ना ही होंगे। मैं ये चाहता हूँ कोई भी धर्म का कोई भी आदमी हो, किसी भी संत के बारे में, किसी के धर्म के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी ना करे। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो या और भी किसी कौम के लोग हो, वो लोग कोई भी किसी के भी धर्म गुरु के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करे। और जिसने ये कुलदीप हिंगे ने जो हरकत किया है, इसको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी हम लोग सकरदरा थाने में भी सब लोग जमा हैं, उस पर FIR हो रही है और हम लोग पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके ऊपर ऐसी ऐसी कलम लगाई जाए कि उसकी बेल ना हो और उसे कड़ी सी कड़ी सज़ा मिले। यही लोग हम सब चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। धन्यवाद। जो इसने किया है उसका जो हाल है वो सरकार ताजुल औलिया आपको खुद ही बता देंगे कि उसका हाल क्या होगा, लेकिन मैं सकरदरा पुलिस और नागपुर शहर पुलिस से अपील करता हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि हम जो आज बयां भी नहीं कर सक रहे कि हमारा क्या हाल है करके। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया एक ऐसी शख्सियत है सरजमीन हिंदुस्तान पर जो सिलसिले चिश्त अहले बहिश्ती की एक नायाब शख्सियत है, और सरकार ताजुल औलिया को हिंदुस्तान के तमाम मजाहब एक बहुत बड़े संत मानते हैं। और हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ान हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहब पर यकता है। कुलदीप हिंगे ने जो हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की, उससे सिर्फ मजहब इस्लाम के मुसलमान नहीं बल्कि हर मजहब के दिलों को ठेस पहुँची है। हम ये चाहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि माहौल में बेचैनी ना फैले। सरकार ताजुल औलिया के चाहने वाले श्रद्धालुओं के दिलों में जो ठेस पहुंची है, वो अपनी उस ठेस को बरकरार रखते हुए कुछ ऐसा कदम ना उठाए कि हिंदुस्तान में एक वबा के दौर में एक नया वबाल पैदा हो जाए। हम प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ताकि दूसरा कोई भी शख्स हिंदुस्तान में रहकर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सरकार ताजुल औलिया के अलावा किसी भी संत व बुज़ुर्ग महात्मा के बारे में ऐसे गुस्ताखाना जुमले ना बोले। विषय यह है कि कुलदीप हिंगे करके तीन दिन से फेसबुक के ऊपर में इसने किसी के कमेंट के अंदर में बाबा सरकार ताजुल औलिया की शान में गुस्ताखी की और अब्द शब्द इसने कहा, जो हम खुदा में सरकार ताजुल औलिया और जितने भी आशिक सरकार ताजुल औलिया है वो उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त बात है। और उस नाकाबिल बर्दाश्त के लिए हमने इसके लिए इसमें FIR दर्ज करवाई थी सकरदरा पुलिस स्टेशन में, और जितने भी नागपुर शहर के अदारे के जितने पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर भी इसकी FIR दर्ज कराई गई है। और ये आज कुलदीप हिंगे जो आरोपी है, जिसने सरकार ताजुल औलिया ताज वाले की शान में जिसने गुस्ताखी की, आज वो पुलिस हिरासत में है। सकरदरा थाने के अंदर में वो अरेस्ट किया गया है। और हम ये चाहते हैं कि इस तरीके के जो समाज में खराबी पैदा करने वाले लोग हैं और जो धर्म गुरुओं के बारे में, जिसे कि सरकार ताजुल औलिया के बारे में इसने जो अब्द शब्द फेसबुक के ऊपर में कहा और जो गुस्ताखी इसने सरकार ताजुल औलिया की है, तो हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर में कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसके ऊपर में वो गुना दाखिल किया जाए जो नॉन बेलेबल हो और इसकी कभी भी जो है बेल थाने से ना हो। और इसके ऊपर में कड़ा से कड़ा पुलिस से हम निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती के साथ में इस पर एक्शन लिया जाए ताकि कभी कोई किसी भी धर्म के गुरु के बारे में इस तरीके की नीच हरकत ना करे और सुकून
इत्मीनान हमको भी मिले कि भाई पुलिस ने इसके ऊपर में जो है कड़ा कार्रवाई की है, और हम नहीं चाहते कि आइंदा दोबारा कोई भी सरकार ताजुल औलिया के बारे में इस तरीके की गुस्तागी करे। कुलदीप हिंगे आज हिरासत के अंदर में है और हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है सख्त से सख्त इसके अंदर में कड़ी कार्रवाई करे, जो नॉन अवेलेबल रहे। और मैं सैयद नईमुद्दीन ताजी, ताजाबाद शरीफ और तमाम सरकार ताजुल औलिया के आशिक भी यहाँ पर मौजूद है, और हम ये चाहते हैं कि आप भी जो है निवेदन करें पुलिस से कि इसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।